मेरे साथ हैं आज दिल्ली के अंदर सोनू डागर जी और शिवानी राघव जी। और सोनू डागर जी, आज सबसे पहले तो जय सिया राम आप दोनों को। जय सिया राम। आप दोनों ही राम सीता का रोल इस बार दिल्ली वालों को हम देखने को मिलेगा राम सीता के रूप के अंदर, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है उन राम और सीता की आप दोनों के मन के? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज सीता का कैरेक्टर बिल्कुल ईजी नहीं होता करना, और इस कैरेक्टर को करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आए भी थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ पे कि हाँ मैं सीता माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ। उनकी लाइफ जीने का मौका मिलता है, और वो रियल लाइफ में तो हम बिल्कुल वैसे नहीं हो पाते, लेकिन हाँ इसी दौरान जो ये हमारे 10 दिन होते हैं लीला के, इसमें हम सीता माँ को याद रखते हैं, उनको उनका कैरेक्टर प्ले करते हैं। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ और बस उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से निभा पाऊँ। कैसा फील कर रहे हैं राम का? राम जी का रोल अपने आप में बहुत बड़ा रोल है और बहुत मुश्किल है इतने लोगों के बीच परफॉर्म करना, बट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैंने पहले भी लीला की हुई है और डेली जीवन में चेंज तो आता है, क्योंकि रामलीला की तैयारी करते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। राम जी के जो मतलब जो जीवन है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस बार लव कुश रामलीला के साथ काम करने का मौका मिला। कहते हैं सोनाली शिवानी कि जितना ये रोल मिलता है राम सीता को, जिनको करने को एक विशेष आत्मा होती है वो तभी मिलता है, और कुछ अच्छे कर्मों के बाद ही ये रोल निभाने को मिलता है, तो अब आप अपने आप को किस तरह से देखेंगे और आगे का जीवन जो है वो किस तरह का? बिल्कुल, बस ये है कि सीता माँ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, तो मैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वैसा सब हो दोबारा से, बट हाँ पर वो जैसी थी, और प्रभु राम जी से मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर वो लीला देखते हैं तो वो राम जी के गुणों को अपनाएं और जिस तरीके से वो थे वैसे रहें, रावण की नीति ना अपनाएं, तो बस सीता माँ के लिए भी वही है। थैंक यू। क्या कहेंगे आप शिवानी जी के लिए भी, क्या कहेंगे जब सीता के रूप? शिवानी जी बहुत अच्छी एक्टर हैं और काफ़ी लोग आए थे ऑडिशन के लिए जिनमें से ही इनका सिलेक्शन हुआ, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये लव कुश रामलीला में काम कर रहे हैं। ये जोड़ी जो है जब बनती है तो काफ़ी दिनों तक काफ़ी जहन में लोगों के रहेगी, और ये भी वीडियोस आप भी देखेंगे, आप अपने इस मतलब कैरेक्टर के बारे में और जो बाकी अब रोल आप कर रहे होंगे तो क्या इसको विशेष मानते हैं? ये जो कैरेक्टर, हाँ अच्छा है, अगर लोगों के जहन में हम रहेंगे तो हमें आगे भी चांस मिलेगा, और वैसे मैं जहाँ जहाँ भी लीला करके आई हूँ लोग टचवुड आज भी याद करते हैं, एज अ सीता ही कैरेक्टर मैंने अब तक किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ भी करूँ तो लोग आगे तक याद रखें, तो एक हमें भी अच्छा प्राउड फील होता है कि जब हम कहीं से निकलते हैं लोग बोलते हैं सीता माँ जा रही है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। खासकर जब आपके फ्रेंड सर्कल में जब आप जाएंगे, अभी बॉम्बे जाएंगे तो आपके कलीग्स मिलेंगे सेट्स पर, दूसरे लोग मिलेंगे, तो क्या चर्चा रहा? हाँ मतलब सब कांग्रेस तो करते ही हैं और सब बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि सीता माँ छोटा कैरेक्टर नहीं होता, बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स लोगों को पता चलता है कि मैं सीता कर रही हूँ वहाँ, तो वो भी आगे से रिलेशन में बताते हैं कि हाँ मेरी फ्रेंड सीता है और वहाँ ये कर, तो बहुत अच्छा लगता है। ये रोल स्टेज पर होगा क्योंकि लाइव भी होगा, बॉलीवुड से डिफरेंट होगा, तो जब टीवी पर हम जो आते हैं तो क्या चीज़ में कुछ छोटा बड़ा मानते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं कि तो कहीं स्टेज पे कहते हैं कुछ छोटा बड़ा है? देखो स्टेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लाइव परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि कई महीने की प्रैक्टिस होती है इसमें लाइव करने के लिए, और हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्टेज पर, ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत आसान नहीं है। कैमरे पे तो इजी है, रीटेक ले सकते हैं, लेकिन लाइव में रीटेक्स नहीं होते। हाँ जी, सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके बिजी शेड्यूल में शायद उनके पास टाइम नहीं होगा, अब वो लोग शायद अपने लिए भी बहुत कम टाइम निकाल पाते होंगे, बट जब लीला होगी तो आप लोग ज़रूर ज़रूर देखें, इससे ना सिर्फ आपको पुराना अपना इतिहास पता चलता है बल्कि कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चलती हैं, सबके लोगों के इवन राम जी कैसे थे क्या थे सब पता चलता है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल भागदौड़ वाली लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए लाइव दिखाई जा रही, तो आप लोग देखें और सपोर्ट करें। सोनू जी, आप कुछ यूथ को कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें रामायण को लेकर? हाँ, मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग रामलीला देखें,
राम जी से कुछ सीखें जो उन्होंने अच्छे काम किए, और सुग्रीव जी, हनुमान जी, जो जो महान आत्माएँ, उन सब से सीखें कि उन्होंने कितना अपना बलिदान दिया, राम जी को कितना उन्होंने हेल्प किया, राम जी ने क्या किया। और बस मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग अच्छे काम करें और अच्छी माँ बाप की इज्जत करें। एक बात और भी है जो हमारे यूथ देख रहे हैं, जितनी साइंस हमारी पहले थी, जो राम जी के तीर हुआ करते थे, आज अच्छे अच्छे मिसाइलें फेल हैं उनके आगे। क्या जितनी हमारे आज राम जी के पास जो तीर बाण हुआ करते थे, वो आज अच्छी अच्छी मिसाइलें फेल हैं उनके आगे। देखो, भगवान के आगे तो सब कुछ फेल है, उनकी मिसाइल से बड़ी तो कोई मिसाइल नहीं है। मेरे साथ आज दिल्ली के अंदर निर्भय वधवा जी हैं, और हनुमान जी का किरदार दूसरी बार निभाने के लिए लवकुश रामलीला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं और आपको मिलवाते हैं, कुछ अच्छी बातें भी उनसे सुनने को मिलेंगी। निर्भय जी, सबसे पहले तो दिल्ली में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी का जो इस बार फिर से रोल आप निभा रहे हैं, तो कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे को, बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ खुद को कि मेरे को बार बार हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिलता है, तो लार्जर देन लाइफ फीलिंग आ रही है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछा था, निर्भय वर जो जुड़ा और वो हनुमान जी को जब याद करते हैं तो निर्भय होने के लिए करते हैं, तो कहीं ये एक ये कोई इंसिडेंस है बिल्कुल। और बचपन से मम्मी पापा ने मेरा नाम निर्भय रखा, और लकीली मेरे को भगवान राम जी की कृपा हुई और मेरे को हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिला। कहते हैं हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित हैं, तो कुछ आप रोल भी निभा रहे हैं, तो प्रति जो आपका दिनचर्या होती है उस तरफ, कहीं हनुमान जी की तरफ उसमें कितना वो रहता है? मैं रेगुलर पूजा करता हूँ, जितना मेरे को हनुमान चालीसा सिर्फ आती है तो मैं वही पढ़ता हूँ जितना होता है, तो और अगरबत्ती जलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगरबत्ती जला पाऊँ रेगुलर, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन पूजा ज़रूर कर लेता हूँ। और मंगलवार को भी कोशिश करता हूँ कि टाइम पे मैं पैकअप हो जाए मेरा, अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं मंदिर ज़रूर जाता हूँ, नहीं तो घर पे ही माथा टेक लेता हूँ, या मंदिर से के बाहर अगर वो बंद हो गया तो वहाँ घुटने टेक लेता हूँ। कितना विशेष मानते हैं जब आप हनुमान जी के रूप में रोल करेंगे और लोग देखेंगे, और उनके बारे में जब आपके जो फीलिंग उनके अंदर आएगी, आपको जब हनुमान जी के रूप में देखेंगे, उसी रूप के अंदर देखते हैं और भगवान को याद करते हैं, तो कितना चीज़ को आप फील करते हैं? बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव हो जाता है इंसान। मेरे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी जो थी वो हनुमान जी के रोल करने के बाद हट गई है, और विचार अच्छे हो जाते हैं, आदमी नशे पत्तों से दूर हो जाता है, और सबको माफ़ करने की फीलिंग अंदर आने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए माफ़ कर दिया जाए सबको। आज जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो दारा सिंह जी की फीलिंग सबके जहन में कि अगर आता है तो आता है, तो कहीं वो भी आपके मन में है कि मैं कहीं उस छवि को मैं भी लोगों तक मैंने कोशिश करी और अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, बस मैंने कोशिश ही करी थी, क्योंकि वो जो निभा गए थे वो कमाल निभा गए थे। मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं, वो कमाल के एक्टर थे, मैंने कोशिश करी और लकीली आप सब लोगों को पसंद आ गया। आप हमारे के यूथ भी हैं भारत के, और युवा जो हमारा जिस तरह से है, तो आज नया कल्चर आ चुका है उस तरह से, तो जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं और एक तरफ हनुमान का रोल करके उन दोस्तों के बीच में बैठते हैं, तो क्या फीलिंग दोस्तों से डिफरेंट रहती है मन में और उन दोस्तों के साथ? वो शुरुआत में ऐसा होता था कि जब मैं शूटिंग से घर आता था या मेरे फ्रेंड होते थे, तो हनुमान एक तो आप भगवान का करेक्टर कर रहे हो, तो कोई आपसे गलत बात या ऊंची आवाज़ में वैसे ही बात नहीं करेगा, कि उसको अंदर हो जाता है कि यार हनुमान जी इसने किया हुआ है, या हनुमान लोग आपके नाम से कम और हनुमान के नाम से आपको ज़्यादा जानते हैं, फिर तो ऑटोमेटिकली सब रिस्पेक्ट दे के ही बात करते हैं, क्योंकि हनुमान का नाम जहाँ आ गया वहाँ रिस्पेक्ट आपको मिलने लग जाती है, तो मेरे को भी फ्रेंड सर्किल में थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी। और अंत में हमारे युवा साथियों को क्या कहेंगे आज के कल्चर के बारे में, थोड़ा थोड़ा भी अगर? हाँ, कल्चर के बारे में यही कहूँगा कि नाइट लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, नशे ज़्यादा हो गए हैं, बस उन चीज़ों से थोड़ा बचें, फिट रहें, अच्छे विचार रखें, और अच्छी चीज़ें खाएं, और बस खुश रहें, और थोड़ा गार्डन वार्डन में जाया कीजिए, घूमा कीजिए। आजकल क्या है, सारे एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे भी जो है वो वीडियो गेम में घुसे रहते हैं, तो थोड़ा नॉर्मल गेम जो होते हैं वो भी उनको खेलने चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली एंड से बात करने के लिए, आपको एक विशेष रूप में हम दिल्ली वासी अब देखने वाले हैं, और इसके लिए आपका इंतज़ार रहेगा दिल्ली। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स।